देश के कोने कोने में फिल्म आदि पुरुष का विरोध देखा जा रहा है। अलग अलग संप्रदायों, संगठनों और दलों के लोग लगातार फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की कोई भी हस्ती फिल्म के समर्थन में नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी की राजनीति भगवान राम के नाम से चलती आई हो, उस पार्टी या पार्टी के नेताओं ने अब तक आदि पुरुष पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल शुरू से ही भाजपा की राजनीति भगवान राम और राम मंदिर के इर्द गिर्द रही है। ऐसे में भगवान राम पर बनी विवादित फिल्म आदि पुरुष को लेकर भाजपा और भाजपा के नेताओं ने चुप्पी क्यों साध रखी है, ये बात अभी तक समझ से परे है। देश की बात करें या प्रदेश की, भाजपा के किसी बड़े नेता या मंत्री ने फिल्म पर ना तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ना ही आपत्ति जताई। अब यह बात आमजन में चर्चाओं का विषय बन गई है कि क्या इस फिल्म की वजह से भाजपाइयों की भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि जब कुछ फिल्मों का टैक्स फ्री कर चलाया जा सकता है तो ऐसे विवादित फिल्मों पर बैन भी लगाया जा सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भाजपा आदि पुरुष पर कोई टिप्पणी करती है या अब तक की तरह चुप्पी साधे रहती है।